हजरत बिलाल बिन रबाह, आपके वालिद का नाम हजरत रिबाह था, हजरत बिलाल के वालिद। वो हजरत बिलाल अभी बचपन में छोटे से थे कि वालिद इंतकाल कर गए। यतीमी में परवरिश पाई जनाब बिलाल ने, यतीमी में। और फिर दो बहनें, एक वालदा, एक भाई। हजरत बिलाल अबशी का ये ख़ानदान मक्के में बिकता बिकाता किसी तरह अब्दुल्ला बिन जदान के पास पहुंच गया। बड़ा पक्का काफिर था, बड़ा पक्का। ज़रा इस्लाम की रोशनी चमकी ना थोड़ी सी, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु उस रस्ते से गुजरते थे। इस रस्ते में हजरत बिलाल काम काज किया करते थे, बड़े मेहनत, बड़े जफाकश, बड़े हिम्मत वाले। हजरत सिद्दीक अकबर ने एक दिन रोक के कहा, बिलाल कब तक तू इतने खुदाओं को पूजता रहेगा, कब तक तू इतने खुदाओं को पूजेगा, जगह जगह माथा टेकेगा, ये तुझे कभी गुलामी से आज़ाद नहीं करेंगे। आ मैं तुझे एक दरवाज़ा बतलाता हूँ, अगर तू उस दरवाजे पे आएगा तो वो तुझे मक्के की गली से उठा के काबे की छत पे खड़ा कर देंगे। गली है मेरे पास। दामन मुस्तफ़ा से जो भी लिपटा वो यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। हज़रत बिलाल अबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु को बात बतलाई। सलीमुल फितरत आदमी थे, संजीदा आदमी थे, अच्छा मिजाज रखते थे, फाम व फिरासत रखते थे। जनाब बिलाल ने कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ के ना तो सब लोगों ने कहा, बहुत सारे लोगों ने अपना इस्लाम छुपा के रखा हुआ था। दो वाक़यात ऐसे हुए कि हजरत बिलाल का इस्लाम जाहिर हो गया। किसी काम से बुत खाने भेजा अब्दुल्ला इब्न जदान ने। बुत खाने गए तो लगे हुए थे बुत, कितार अंदर कितार, बुतों की कितारें बनी हुई थी। हजरत बिलाल ने मिट्टी उठाई और बुतों के मुंह पे मार के कहने लगे, जो अपना चेहरा साफ नहीं कर सकते वो किसी को नफा नुकसान क्या पहुंचाएंगे। जो लोग देख रहे थे उन्होंने आके अब्दुल्ला इब्न जदान को बताया, कहा तेरा गुलाम है और तू बहुत बड़ा सरदार बनता है, तेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। किसी को पता चल गया कि अब्दुल्ला का गुलाम मुसलमान हो गया। अब्दुल्ला बिन जदान ने रातों रात उमैया बिन खल्फ से बात की और उमैया से कहा, यार ये गुलाम ले लो, मुफ्ती ले लो। बताया नहीं उमैया को, बताया नहीं कि मुसलमान हो गया है। उमैया ने ले लिया। उमैया बड़ा सख्त आदमी था, बड़ी तबीयत में सख्ती पाई जाती थी। अल्लाह हू अकबर। लेकिन ये मोहब्बत और इश्क ये छुपाए छुपते नहीं, और मुसलमान अपने इस्लाम का इजहार किए बगैर रह सकता। एक वाकया और रूनुमा हो गया। हजरत बिलाल फिर ज़ाहिर हो गए। हुआ क्या, हजरत अम्मार बिन यासर रदियल्लाहु ताला अन्हु, मक्के के सारे काफर इकट्ठे होके गरीब आदमी को मार रहे हैं, गरीब आदमी को। जब अंदर इंसान के चोर होता है तो बड़ा से बड़ा आदमी भी बुजदिल हो जाता है। अंदर चोर, जब अंदर चोर बैठ जाए ना तो बड़े से बड़ा आदमी बुजदिल हो जाता है, और जब अंदर सफाई हो तो गरीब से गरीब आदमी भी बहादुर हो जाता है। हक पे होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, फिर बहादुर हो। हजरत अम्मार बिन यासर रदियल्लाहु अन्हु गरीब आदमी, मक्के के सारे सरदार मक्के के चौक में इकट्ठे हैं और एक दीवार के साथ खड़ा किया हुआ हजरत अम्मार बिन यासर को, और कोड़े मार रहे हैं, जोर जोर से कोड़े हजरत अम्मार बिन यासर रदियल्लाहु ताला अन्हु के बदन पे लगते हैं। वजूद लहू लुहान है। हजरत अम्मार बिन यासर को पता था कि बिलाल भी मुसलमान हो गए, लेकिन उनका ख्याल था कि ये किसी को बतलाएं ना तो ही बेहतर है। उमैया बिन खल्फ आया, सख्त धूप थी। जब कोड़े मार मार के थक गया ना, अबू जाल ने भी मारा, अबू लहब ने भी मारा, अबू सुफियान ने भी मारा, अबुल बुख्तरी ने भी मारा, अखनस बिन शुरैक ने भी मारा। उमैया बिन खल्फ की बारी आई तो थक गया ना मार मार के। उसे पता था कि बिलाल बड़ा सख्त आदमी है, जो काम भी कहो बिलाल कर देता है। उमैया ने कहा बिलाल से, कहा बिलाल इधर आ। हजरत बिलाल गए, कहा ये कोड़ा पकड़ और इसको मार। जनाब बिलाल ने कोड़ा, कोड़े की तरफ देखा, फिर हजरत अम्मार की तरफ देखा। जनाब अम्मार ना दीवार से जरा आगे हुए थोड़े से, कांपती टांगों के साथ थोड़े आगे हुए और हजरत बिलाल के कान में कहने लगे, यार दो चार कोड़े मार ले, मेरा क्या है, मुझे तो मार पाड़ी रही है ना, चल तू ना अब इजहार ना कर बैठना, दो चार कोड़े मार ले। हजरत सैयदना बिलाल हबशी ने नजर उठाई, जब पता हो ना कि सामने आग है उसमें कूदना बड़ा मुश्किल काम है, जब पता हो ना सामने दरिया है उसमें छलांग लगाना बड़ा मुश्किल है, मौत नजर आ रही हो तो उस तरफ कदम उठते नहीं। हजरत बिलाल को पता था ये सारे इकट्ठे हैं और मुझे भी मारेंगे, कोड़ा दिया है और इस्लाम इजाजत देता है रुखसत की। आपकी गनपट्टी पे किसी शख्स ने पिस्टल रख दिया और उसने कहा कहो कि मैं काफिर हूं तो इजाजत है, कह दो जान बचाओ, इस्लाम इजाजत देता है। लेकिन सैयदना बिलाल, हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हो, हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हो ने हजरत अम्मार बिन यासर ने कहा, यार तू दो चार कोड़े मार ले लेकिन अपना आप बचा। हजरत बिलाल कहने लगे ठीक है, हजरत बिलाल कहते हैं ठीक है, मैं दो चार कोड़े मार लेता हूँ लेकिन अपना आप बचा लेता हूँ। अब जल्दी से उमैया बिन खलफ चिल्लाया, कहने लगा तुझे कहा कोड़ा मार, पकड़ कोड़ा। हजरत बिलाल ने कोड़ा हाथ में लिया, एक दफा उमैया की तरफ देखा, फिर अबू जहल की तरफ देखा, फिर अबू लहब की तरफ देखा, सारे काफिरों पर नजर दौड़ाई और फिर अम्मार बिन यासर की तरफ देखा, कहा अम्मार तू मार खा सकता है तो मैं नहीं खा सकता, अम्मार तू तेरे वजूद पे जख्म लग सकते हैं तो मेरे पे नहीं लग सकते, अम्मार जिस खुदा का तू कलमा पढ़ता है उसी का मैं पढ़ता हूँ, और जिस जुल्फों का तू कैदी है मैं भी उसी मोहम्मद अरबी के जुल्फों का कैदी हूँ। अब देख जरा मिल के मार खाने में क्या मजा है, जरा देखते हैं जरा इकट्ठे होके जुल्म सहने में क्या लुत्फ आता है। हजरत सैयदना बिलाल हबशी ने जोर जोर से कोड़ा घुमाया, ऐलान बगावत होने लगा है, बिलाल आने लगे हैं मैदान अमल में। जनाब बिलाल ने जोर जोर से कोड़ा घुमाया और घुमा के दूर फेंका और उमैया की तरफ देख के कहने लगे, ये अम्मार अकेला नहीं, इसे तन्हा न समझना, ये अकेला मार नहीं खाएगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फरमाया तैयारी करके निकलो, अब अम्मार अकेला मार नहीं खाया करेगा, जब अम्मार मार खाएगा तो इसके साथ हिस्सादारी करने बिलाल भी आया करेगा। हजरत बिलाल मैदान अमल में, अब काफिरों पे सन्नाटा छा गया, बिलाल तेरी जुर्रत, तेरी ये हिम्मत, तू इनकार करे, तेरा ये चारा, तेरे मुंह से ये लफ्ज निकले, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। रब फरमाता है तुम कहो मैंने अल्लाह को मान लिया, रब को मानकर फिर डट जाना, तुम्हारी दुनिया मदद करे ना करे अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए फरिश्तों का नुज़ूल फरमा देगा, लोग मदद करे ना करे अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारी मदद करेंगे। जनाब सैयदना बिलाल ने ऐलान कर दिया मैं नहीं मारूंगा, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। फरमाया कर लो तैयारी, आ जाओ। अब वो सारे ना, क्योंकि सबसे सख्त मशहूर था ना उमैया, अब सारे देखने लगे उमैया की तरफ, उमैया को अब उसे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, बिलाल ने तो कभी ना की नहीं, तो जो कहते थे कर गुजरता था, ये अजीब मामला है। कहने लगा बिलाल तुझे पता है तू क्या कर रहा है, तूने जज्बात में आके ऐलान तो कर दिया, तुझे इसका पता है। जनाब बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे मुझे पता है तू मुझे मारेगा, मुझे पता है मुझे सजाएं देगा, मुझे सारा पता है, लेकिन अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर ईमान की बुनियाद रख। फरमाया मैंने अक्ल के घोड़े दौड़ाने छोड़ दिए हैं, बस कलमा जो पढ़ लिया है, जब ऐलान जो कर लिया है, जब मोहब्बत जो की, तो अब उसमें किसी किस्म की मसलहत की इजाजत नहीं। इकबाल कहता कि पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, इश्क हो मसलहत अंदेश, तो है खाम अभी और बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। फरमाया अकल पुख्ता होती है अगर सोचा जाए, इश्क के मामले में सोचा जाए तो इश्क कमजोर होता है, वहां सोचने समझने की इजाजत होती नहीं। सोचना समझना था कलमा पढ़ने से पहले, अब तो पढ़ लिया, अब सोचने का नहीं, अब अमल करने का वक्त है। अब जनाब बिलाल पर सख्ती शुरू हुई, मारना शुरू हुए। किस किस अंदाज में मारा? लोहे की सलाखें पहनाकर अरब की तपती हुई रेत पे लिटा दिया। जब लोहा गर्म होता, सलाखें गर्म होती, वो वजूद को लगती। पहले खामोश रहते, पहले अल्लामा नदवी ने लिखा पहले चुप रहते, पहले अहद अहद नहीं कहते थे, पहले अहद अहद नहीं कहते। जब तकलीफ बढ़ जाती ना तो फिर जुबान से निकलता अहद अहद अहद। वो वहदहु ला शरीक है, वो वहदहु ला शरीक है। जब तकलीफ बढ़ती फिर उमैया क्या करता? फिर उमैया हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु के गले में रस्सी डालता और मक्के के ओबाश लड़कों के हाथ में देता। मक्के की गलियों में कभी किसी पागल को आप गुजरते देखो ना, लड़के उसे छेड़ रहे हों, आपको पता है वो पागल है, उसने ज्यादती भी की है, लड़के छेड़ते हों तो बुजुर्ग और सियाने लोग मना करते हैं, कहते हैं बदतमीजो ना करो, वो तो बेचारा दीवाना है, वो तो पागल है। मक्के की गलियों में हजरत बिलाल जब गले में रस्सी डाल के, जरा दोस्तों ख्याल तो करो, बटन खुला हो तो हम बाजार में जाना पसंद नहीं करते, कपड़े थोड़े मैले हों तो गली में निकलते नहीं। बिलाल तू मुहजब आदमी है, संजीदा आदमी है, ये क्या हो रहा? हजरत बिलाल के गले में रस्सी डाल के ना, जब मक्के की गलियों में वो नौजवान दौड़ाया करते थे, हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु के करीब से गुजरते तो गुजरने वाले भी अजीब बात करते। कोई कहता जरा और कलमा पढ़, कोई कहता गुलाब अपने खुदा को तुझे बचाए, कोई कहता बिलाल तुझे क्या जरूरत पड़ी थी ये सारा कुछ करने की। एक आदमी आया, कहने लगा बिलाल अगर तेरा रब सच्चा है, तेरे रसूल सच्चे हैं, फिर तुझे बचाते क्यों नहीं, फिर तुझे बचाते क्यों नहीं? जब तू इतना मुखलिस मोमिन है और इतना तेरे अंदर खुलूस पाया जाता है तो वो आते क्यों नहीं तेरे दिफा के लिए, वो तेरे लिए ढाल क्यों नहीं बनते? हजरत बिलाल हबशी का जवाब बड़ा जबरदस्त था। नाबे बिलाल कहने लगे मैं मुखलस तो हूँ, मेरा रब कादर भी है, लेकिन फरमाया जब तुम जाते हो ना बाजार में बर्तन खरीदने, मिट्टी का बर्तन लेना हो तो जरा ठोक बजा के चेक करते हो कच्चा है कि पक्का है। फरमाया रब रसूल भी जरा ठोक बजा रहे हैं कच्चा है कि पक्का है। फरमाया मैं दुआ करो मैं इम्तिहान में पूरा उतरूं, दुआ करो मैं इम्तिहान में पूरा उतरूं, वो जरा मुझे ठोक बजा के चेक कर रहे हैं, ठोक बजा के। हजरत बिलाल हबशी मारा, सताया, तेनू लब दिया आप गवाचे, सानू अपनी खबर न कोई, साथू पारे कख गलियां दे, सानू आख दे लोग शुदाई, नंग नमूस दा साड़ के झोला, गल पहने ताज गदाई, आजम अपना आप गवाया तां यार ने चाती पाई। हजरत बिलाल हबशी इतनी मार, इतनी तकलीफें। अच्छा हजरत सिद्दीक अकबर गुजरे। अच्छा एक बात और लिखी है सीरत निगारों ने, वो कहते हैं कि एक तो था ना जब तकलीफ होती थी तो आहद आहद कहते थे, एक जब कोई काफिर नजर आता था ना, इस तरह बंदा चिढ़ाता नहीं किसी को, जब कोई बेईमान काफिर नजर आता हजरत बिलाल को तो आप फरमाते अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। जब कोई नजर आता अब वो मारता, फिर आस्ता आस्ता वजीफा पा गया, फिर सारा दिन अहद अहद चलता रहता, सारा दिन अहद अहद चलता रहता। हजरत सिद्दीक अकबर गुजरे करीब से, बड़ी तकलीफ हुई। जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा बिलाल ऊंची जिक्र ना किया कर, आस्ता कर लिया कर, ऊंची आवाज में मारते जो है तुझे, तू इस तरह कर जरा। जिक्र दो है ना, एक जिक्र जली है, एक जिक्र खफी है, तू दिल में जिक्र कर लिया कर, ऊंचा ना किया कर, मार से तो बच जा। तो बिलाल ने कहा ठीक है, आपने जो नुस्खा दिया इस पे अमल करूंगा। 2 दिन हजरत बिलाल हबशी ने दिल में जिक्र किया, मार ही नहीं पड़ी, मार ही नहीं पड़ी। जफा जो इश्क में होती है, इकबाल कहता है जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। हजरत बिलाल को मारना ना पड़ी, 2 दिन मार ना खाई तो तीसरे दिन उमैया दाखिल हुआ तो कहने लगे अहद अहद अहद। उसने फिर पकड़ लिया दुर्रा, फिर उठाया कोड़ा, फिर लगा मारने। जनाब हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को मार पड़ रही है। जनाब सिद्दीक अकबर गुजरे, कहा बिलाल तुझे मना किया था, तू फिर शुरू हो गया है। कहा हुजूर आहिस्ता जिक्र करने में मजा ही नहीं आता, ये मुझे मारते नहीं, किसी को क्या पता चलेगा कि बिलाल पे सख्तियां हो रही हैं। हजरत बिलाल हबशी। अब सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि रसूल पाक गुजरे, बिलाल को मार पड़ रही थी। मेरे हबीब पाक की आंखों में आंसू आ गए। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। हुजूर की आंखों में आंसू, और हुजूर ने दुआ फरमाई का या अल्लाह मेरे बिलाल को निजात दे दे, या अल्लाह मेरे बिलाल को निजात दे दे। रसूल पाक ये कह के गुजर गए। एक कोने में, हरम शरीफ के कोने में बैठ के रसूल पाक रो रहे हैं। जनाब सिद्दीक अकबर ने कहा हुजूर क्या हुआ? फरमाया अबू बकर सोच रहा हूँ खुदा अगर मुझे पैसे दे तो मैं बिलाल को खरीद लूँ, अगर रब पैसे दे तो खरीद लूँ, सोच रहा हूँ। जनाब अबू बकर सिद्दीक घर गए, घर जाके हजरत अब्बास को भेजा, कहा उमैया मेरा मुखालफ है, मुझसे वो बात नहीं करेगा, आप जाइए, आप जाके कहिए बिलाल को बेच डाले। हजरत अब्बास ने जाके कहा बिलाल को बेच दो। कहने लगा मेरी कीमत बहुत ज़्यादा है, 50 दिनार का मैंने ख़रीदा है और मैं मुनाफा लेके बेचूंगा। हज़रत अब्बास ने आके जनाब सिद्दीक अकबर को बताया। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे चल मुझे साथ ही ले जा, देख लेते। पहुँचे, जब अबू बकर सिद्दीक को आते देखा ना तो चिढ़ गया। कहने लगा अबू बकर अगर तू बिलाल को खरीदना चाहे तो वो जो तेरे पास रूमी गुलाम है वो मुझे देना पड़ेगा, 2 लौंडियाँ उसके साथ देनी पड़ेंगी, और ये 50 दिनार का है, मैं तुझसे 2000 दिनार लूँगा, 50 दिनार का है 2000 दिनार लूँगा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, मंजूर है मुझे। तब अबू बकर सिद्दीक़ ने वो तीनों गैर मुस्लिम गुलाम लिए, 2000 दिनार लिए। हज़रत अब्बास ने भी कलमा नहीं पढ़ा था। कहने लगे अबू बकर तू कामयाब ताजर है, क्या करने लगे हो? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहने लगे आपने भी कलमा नहीं पढ़ा, आपको इस सौदे का पता नहीं, आप अभी इस लज्जत आशनाई से वाकफ़ नहीं, आपने भी ये जायका चखा नहीं, आप अभी इस राह से गुजरे नहीं, आपको पता नहीं ये भी एक जायका है, ये भी एक सौदा है, ये भी एक लज्जत है, ये भी एक गहराई है, ये भी एक मज़ा है, इसका भी आपको इल्म नहीं, आपने कलमा नहीं ना पढ़ा। मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाजा तूफान नहीं होता। फरमाया अभी तू राह गुजर में है, कहते मकाम से गुजर, अभी ज़रा आगे चलेंगे ना, जब आप कलमा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हज़रत सैयदना बिलाल हबशी को लेने के लिए सिद्दीक़ अकबर पहुँचे। 2000 दिनार, 3 गुलाम पढ़े लिखे सियाने समझदार जब दिए ना तो उमैया खिलखिला के हंसा। कहने लगा अबू बकर बड़े घाटे का सौदा किया तूने, अबू बकर तूने बड़े घाटे का सौदा किया है। ये पढ़ा लिखा मुझे दे के जा रहा है और ये अनपढ़ तू लेके जा रहा है, ये खूबसूरत रूमी गुलाम दे के जा रहा है और ये हबशी काले रंग का तू लेके जा रहा है, और 50 दिनार का गुलाम 2000 दिनार में तू लेके जा रहा है, इतने घाटे का सौदा, इतनी बड़ी नादानी। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला कहने लगे उमैया तू काफिर है, लेकिन तूने अभी भी पैसे थोड़े मांगे हैं, तूने बिलाल का रंग देखा है, मैंने मुस्तफ़ा के इश्क का रंग देखा है। फरमाया तू अभी इसके रंग में उलझा हुआ है और मैं जो इसके बातन का हुसन है वहाँ तक पहुँच गया हूँ। हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु साथ खड़े। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया अगर मैं यमन का हुक्मरान होता, यमन का बादशाह होता, और तू मुझे कहता कि बिलाल मैं तब दूंगा जब तू मुझे यमन की हुक्मरानी देगा, फरमाया मैं तुझे यमन की हुक्मरानी भी दे देता लेकिन बिलाल को ज़रूर खरीद के ले जाता। हज़रत बिलाल हबशी। जनाब सैयदना बिलाल हबशी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं जब मैं बिलाल को लेने गया तो हाल पता क्या था? इधर देखिएगा। फरमाते हैं कि टांगे ऊपर करके ना, जिस तरह आदमी रकू में बैठता है, इस तरह करके ना टांगे, और सर फिर ज़मीन को लगा के इस तरह सजदे में आप जाते हैं, लेकिन बिल्कुल टांगों के साथ सर रख के। फरमाते हैं 4 भारी चक्कियाँ रेत पे हज़रत बिलाल थे, उनके ऊपर चक्कियाँ रखी हुई थी, और फरमाते हैं हज़रत बिलाल थोड़ी थोड़ी हरकत करते थे तो वो चक्कियाँ जिस्म के साथ लगती थी ना, पार्ट उनके। फरमाते हैं ज़ख़म बन गए थे, खून निकलता था। फरमाते हैं मैंने वहाँ से जाके हज़रत बिलाल को निकाला, पैसे दिए, लेके आया तो जनाब बिलाल कहने लगे जल्दी जल्दी चलो हुजूर के पास, ज़रा जल्दी जल्दी चलो, दर मुस्तफ़ा पे जल्दी करो। तो जनाब सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जवाब में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहने लगे, बिलाल जल्दी ना कर, जब मैं आया था तो हुजूर तेरे लिए आंसू बहा रहे थे, अगर तुझे इस हालत में जख्मी देखेंगे तो मेरे मुस्तफ़ा को और ज्यादा रोना पड़ेगा। तू मेरे साथ घर चल, मैं तुझे कपड़े पहनाता हूँ, मैं तेरे जख्मों पे पट्टी करता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक मिजाज शनासाए नबूवत थे ना, फरमाया चल मेरे साथ, मैं जरा तेरी मरहम पट्टी कर लूं, मैं जरा तेरा मुंह धो डालूं, मैं जरा तुझे कंगी कर लूं, तू मेरे साथ चल। जनाब बिलाल फरमाते हैं, जब से पैदा हुआ तब से गुलाम था, कभी किसी ने मेरे कपड़ों की फिक्र नहीं की थी, मुझे तो उमैया 4-4 दिन रोटी नहीं देता था। फरमाते हैं, जब मैं गया अबू बकर के साथ, अबू बकर सिद्दीक ने एक चटाई बिछाई, सिद्दीक अकबर चटाई के ऊपर मेरे साथ बैठ गए। फरमाते अबू बकर ने तेल मंगाया, वो तेल मेरे जख्मों पे, अबू बकर सिद्दीक ने वो तेल मेरे सर पे, मेरी दाढ़ी पे। फरमाते हैं, फिर कंगा किया, फिर अबू बकर सिद्दीक ने एक जोड़ा मंगाया, वो कपड़े मुझे पहनाए। अबू बकर सिद्दीक ने पगड़ी मंगवाई, वो पगड़ी खोल के मेरे सर पे बंधवाई। फरमाते हैं, अबू बकर ने मुझे तैयार किया। फरमाया, तू आज जा रहा है दरे रिसालत माप पे, दरे रिसालत माप पे आज तू पहुंच रहा है हुजूर के दरवाजे पे। बन के जोगन मदीने नु जावांगी मैं, जो बीती नबी नु सुनावांगी मैं। हजरत जनाब सैयदना, और वो किसी शायर ने तो बड़ी शानदार बात की, उसने कहा बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, मकीने गुम्बदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। हजरत बिलाल अबशी रदी, उनके दिल में बड़ी उमंग थी, आज जाऊंगा दरे रिसालत मआब पे। मुल्ला रूमी लिखते हैं कि जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने सजाया सवारा, जनाब बिलाल के आंसू रुकते ही नहीं। कहा, बाप होता है जो खिदमतें करता है, मैंने आँख खोली तो बाप का साया तो मैंने देखा ही नहीं। और फरमाया, माँ थी तो माँ जब भी मुझ में काम करके आता था तो मुझे देख के मेरी अम्मा बस रो दिया करती थी। 2-3 बहनें थीं, और हजरत बिलाल फरमाने लगे, उन बहनों को मैं देखता था तो वो मेरा हाल देख के रोती थी, और जब वो मुझे देखती थी तो मैं रो दिया करता था। फरमाया, अबू बकर मैंने तो ये रंग ढंग देखे नहीं जो आज तू मुझे दिखा रहा है। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बना सवार के ना, हजरत बिलाल का हाथ पकड़ के सीने पर रखा। जनाब बिलाल हिचकी लेके रोए। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, जितना रोना यहाँ रो ले, मैं कायनात के आंसू देखता हूँ, लेकिन जब नबी की आंखों में आंसू देखता हूँ तो देखे नहीं जाते। फरमाया, यहाँ रो ले, हुजूर के दरवाजे पे जाके तेरी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, बहा जितने आंसू बहा सकता है। हजरत बिलाल अबशी भी रोए, जनाब सिद्दीक़ अकबर भी रोए। जब पहुंचे ना दरवाजा रसूल पे, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक लेके पहुंचे तो बंद कर दिया था ना हजरत बिलाल को, बिलाल तूने रोना नहीं, इश्क होवे ते दर्द होवे ते हाय निकले, फिर कोई नहीं रहंदा जार के। हजरत सैयदना बिलाल अबशी को लेके पहुंचे दरे मुस्तफ़ा पे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक नजर हजरत बिलाल पे डाली। जनाब बिलाल ने यूं आंख मिलाई तो सर झुका लिया, वादा किया था ना रोना नहीं, सर झुका लिया। अब दूसरी नजर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उठाई ना हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ, तो हुजूर ने फरमाया, सिद्दीक तेरा शुक्रिया, अबू बकर अल्लाह तुझे जजा दे। जब रसूल पाक की जुबान से यह लफ्ज़ निकले तो जनाब सिद्दीक अकबर ने हाथ उठाए, यूं हाथ बांधे जब रसूल पाक के सामने, तो सबसे ज्यादा आंसू अबू बकर सिद्दीक के अपने निकल गए। कहा, या रसूल अल्लाह, मैं गरीबे बेनवा, तू अमीरे हरम, तू कुजा मन कुजा। का हुजूर ये शुक्रिया के लफ्ज़, या रसूल अल्लाह मैं कहाँ और आपका शुक्रिया कहाँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर काश तू थोड़े से पैसे मेरे भी मिला लेता, बिलाल को खरीदने में मेरा भी हिस्सा डाल लेता, मैं चाहता था। अबू बकर फिर रोए। का या रसूल अल्लाह, मेरे पैसे किसके हैं आका, मैं भी आपका, ये भी आपके। जनाब सैयदना बिलाल अबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ हुजूर ने देखा तो फरमाया, बिलाल आ यार जरा सीने से तो लग जा। अब हजरत बिलाल दौड़े दौड़े, जब रसूल पाक के सीने से लगे तो एक जुमला मेरे महबूब की जुबान से, फरमाया, बिलाल तूने बड़ी सख्तियां बर्दाश्त की हैं, तुझे मेरा अल्लाह ही जजा अता फरमाएगा, तूने बड़े दुख देखे हैं। अब सैयदना बिलाल तड़पे, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी रोए। हुजूर ने अपने साथ बिठा लिया सैयदना बिलाल को। हुजूर ने घर पैगाम भेजा, फरमाया, खतीजा घर में कुछ है तो भेजो, बिलाल आया है। अब हजरत खदीजतुल कुबरा अंदर से क्या आवाज देती हैं, कहते हैं हुजूर मुबारक हो, अल्लाह ने बिलाल को आजादी अता फरमा दी। वफाशार बीवी अंदर से। अब हजरत सैयदना ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे महबूब की शहजादी, छोटी सी उम्र है, एक बर्तन के अंदर खजूरें लेके आई। एक बर्तन में खजूरें, अब लाके जब खजूरें रखी ना तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने हाथ बढ़ाया खजूरें उठाने के लिए ताकि मैं दूं। हुजूर ने फरमाया ना अबू बकर, बिलाल पहले दिन आया है, पहले तूने जितनी खिदमत करनी थी तू घर कार के आया, मेरी बारी है। हजरत बिलाल हबशी फरमाते हैं कायनात में मैंने इतना प्यार कभी देखा ही नहीं था। 30 साल से ज्यादा मेरी उम्र थी, मुझे तो कभी किसी ने पास बिठा के खाना खिलाया ही नहीं। फरमाते रसूल पाक सख्त सख्त खजूरें साइड पे करते, अंदर से नरम खजूर निकालते, उस खजूर से थोड़ा सा छिलका जुदा करते, फरमाते हैं फिर उसको तोड़ते, उसके अंदर से वो गुठलियाँ उतार के हुजूर एक साइड पे करते, वो नरम खजूर रसूल जब मेरी तरफ बढ़ाते। हजरत बिलाल फरमाते हैं भूख तो बड़ी थी लेकिन आज भूख सारी भूल गई थी। आज मुझे यूं लगता था जैसे मैं जमीन पे नहीं अर्श की बुलंदियों पे बैठा हुआ हूँ। आज लगता था कायनात की सारी नेमतें, सारी रहमतें, सारा करम, सारी अता, सारा फजल, सारी इनायतें मेरी झोली में घिर गई हैं। फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे बड़े मोहब्बत से बिठाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत से खिलाया, दूध पिलाया। फरमाते बड़ा प्यार करके ना, तो जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा हुजूर बिलाल की ड्यूटी क्या होगी, हुजूर बिलाल की ड्यूटी क्या होगी। हजरत बिलाल कहने लगे हुजूर मैं फारिग रहने का तो आदी नहीं, मैं तो जफाकश आदमी हूँ, मेहनत करने वाला, ड्यूटी क्या होगी। रसूल पाक ने फरमाया बिलाल ये मेरा घर है, आज के बाद मेरा नहीं, ये तेरा घर है। फरमाया मैं मसरूफ होता हूँ तबलीग के कामों में, घर क्या लाना है वो तेरी जिम्मेदारी है, कहाँ से लाना है वो भी तेरी जिम्मेदारी है, पैसे कहाँ से आएंगे मैं तुझे बताऊंगा, कहाँ लगाने हैं तुझे एक दफा बताऊंगा, फिर तू लाया करेगा, तू ही लगाया करेगा। फरमाया मेरा पर्सनल सेक्रेटरी बन के रहेगा तू, खास मकाम तुझे दिया जाएगा। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हो को रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस काम पर मुकर्रर फरमा दिया। अब देखिए हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो जब दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद क्या मसला है जी, क्यों नहीं चल रहा, दरूद पाक पढ़िए सलातो वस्सलाम अलैका या की गल वापस। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु को रसूल पाक ने ये ड्यूटी अता फरमा दी। अब पता क्या होता, हजरत पर्दे की आयतें तो अभी आई नहीं थी। हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु रसूल पाक के साथ निकलते तबलीग के लिए, किसी काम के लिए, सौदा सरफ लाते बाजार से। ये मक्के के दिनों की बात है, मक्के के दिनों की। सौदा सरफ बाजार से लाते। अब 4 बेटियां थी हजरत खदीजतुल कुबरा की, घर के कामकाज होते थे, जब जरा फारिग होते दरवाजे पर दस्तक देते। हजरत खदीजा फरमाती बिलाल तू आ गया है। वो दस्तक से पहचानती है कि बिलाल के दस्तक है, बिलाल आ गया। कहा अम्मा जी मैं सारे कामकाज बाहर के खत्म कर आया हूँ, घर का कोई काम है तो जरा मुझे बताओ। आप फरमाती घर के काम है पर मैं कर रही हूँ। अब हजरत बिलाल गिलना शुरू करते। ये है मोहब्बत। आज अगर हम कहीं खादिम हो भी ना तो बहाने ढूंढते फिरते हैं फारिग होने के। हजरत बिलाल फरमाते आपने चक्की पीस ली है, घर में झाड़ू दे लिया है, बच्चों के लिए दूध आ गया है, बकरियों का दूध धो लिया गया है। एक एक काम पूछते हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा फरमाते ये भी हो गया, ये भी हो गया, चक्की रह गई है पीसने वाली। फरमाते जरा दरवाजा खोल दो मैं पीस डालता हूँ। हजरत बिलाल घर की चक्की पीसते, घर के काम काज करते। एक दिन ना दारे अरकम में रसूल पाक थे तो बाहर से कुछ शोरश हुई। हजरत बिलाल हबशी कहने लगे हुजूर एक नेजा नहीं मंगवा देते मुझे, एक नेजा। सारी दुनिया हजरत बिलाल को मुअज्जिन रसूल समझती है और है भी, लेकिन हजरत बिलाल सबसे पहले नेजा बरदार भी है। सबसे पहले नबी पाक की हिफाजत के लिए नेजा जिस शख्स ने उठाया है, तलवार उठाने वाले और हैं, जान कुर्बान, नेजा सबसे पहले हजरत बिलाल। का हुजूर एक नेजा नहीं मंगवा देते, बिलाल क्या करना है? कहा या रसूलल्लाह ये काफर हल्की फुल्की शरारत करते रहते हैं, जरा मेरे हाथ में नेजा होगा ना तो करीब कोई नहीं आएगा। ये करते रहते हैं ना हल्की फुल्की शरारत, बाज नहीं आते, नेजा दे देंगे ना तो करीब कोई नहीं आएगा। अब रसूल पाक ने नेजा दे दिया, मंगवा दिया। अब हजरत बिलाल के हाथ में नेजा होता, रसूल पाक के आगे आगे चलते, आगे 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 आगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दारे अरकम में जाके तबलीग का काम शुरू करते तो हजरत बिलाल दरवाजे पे नेज़ा लेके खड़े हो जाते। हुज़ूर ने फरमाया बिलाल तू उधर खड़ा हो गया। या रसूल अल्लाह इंशाल्लाह जब तक मैं खड़ा हूँ अंदर कोई काफर आ नहीं सकता, अंदर कोई नहीं आएगा, मैं मुहाफ़िज़ बन के खड़ा हूँ। हजरत बिलाल अबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमेशा, और ये नेज़ा हमेशा पास रखा, बदर में भी, ओहद में भी, तबूक में भी, यरमूक में भी, खंदक में भी। जब नबी पाक नमाज पढ़ाने के लिए खड़े होते तो हजरत बिलाल नेज़ा नबी पाक के आगे गाड़ देते। ये सुतरा बन गया, अब कोई आगे से गुजरेगा तो उसे तकलीफ नहीं होगी, गुनाह नहीं होगा, हुजूर के आगे रख देते। हजरत बिलाल हबशी ने मक्के के 13 साल साबिकून अल अव्वलून में से हैं। कुरान कहता है वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। फरमाया वो जो पहले सबकत लेने वाले हैं ना, मुहाजिर और अंसार, पहले जिन्होंने सबसे पहले कलमा पढ़ा, वो मुहाजिर और अंसार जिन्होंने पहले कलमा पढ़ा। और फरमाया वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान, और वो जिन्होंने एहसान के साथ उनकी पैरवी की, रदियल्लाहु अन्हुम वरदु अन। फरमाया वो अल्लाह से राजी है, अल्लाह उनसे राजी है, अल्लाह उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बह रही हैं। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। फरमाया ये बहुत बड़ी कामयाबी है पहले कलमा पढ़ लेना। हजरत बिलाल साबिकून अल अव्वलून में से, पहले कलमा पढ़ने वाले लोगों में से जनाब सय्यदना बिलाल हबशी रदियल्लाहु तआला अन्हु ने पूरी दलेरी के साथ काम किया। अब आ गया वक्त हिजरत का। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को फरमाया बिलाल तू हिजरत कर जा, मदीने की तरफ चला जा। हजरत बिलाल ने अर्ज की हुजूर मैं गुलाम हूँ, खादम हूँ, हर हुक्म मानना मेरी ड्यूटी है, लेकिन एक अर्ज करनी है सिर्फ। हुजूर ने फरमाया बिलाल करो। कहा या रसूल अल्लाह आप मदीने आएंगे ना, आप आएंगे मदीने? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े, फरमाया हाँ मैं भी आऊँगा। कहा हुजूर बस ठीक है, बताएं कब जाना है, बस इतनी सी बात है, आप आएंगे ना? हुजूर ने फरमाया आऊँगा। कहा ठीक है बताएं कब जाना है? सरवरे कौन मकान सय्याहे ला मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल ये 16 मर्द, औरतों, बच्चों पर मुश्तमिल, 16 लोगों पर मुश्तमिल ये काफिला है। इस काफिले के ऊपर तुझे मैं अमीर मुकर्रर करता हूँ, तू इनको लेके जाएगा मक्के से मदीने। 250 किलोमीटर का सफर, 250 मील का सफर। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काफिले के अमीर बन के, सख्त गर्मी का मौसम, हजरत बिलाल के हाथों में तलवार है, एक हाथ में नेजा है, एक हाथ में तलवार है, तीर आपने पीछे बांध रखे हैं पुश्त पे, और आप लेके जा रहे हैं, कभी काफिले के आगे, कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। वो औरतें और बच्चे जरा परेशान होते तो हजरत बिलाल फरमाते परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें मुस्तफ़ा करीम ने भेजा है, हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, मेरा यकीन बड़ा मजबूत है, और मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, फिक्र ना करो चलो। अब ये काफिला जा रहा है। हजरत बिलाल हबशी ने बखैर वाफियत सिपा सालार बनकर इस काफिले को पहुँचाया मदीने में। अब मदीने पहुँचा के सारे लोग मदीने वाले मदीने में लग गए अपने अपने काम। हजरत बिलाल पहले दिन ही आके मदीना मुनव्वरा से बाहर सराद पे खड़े हो गए। कहा बिलाल इधर क्या कर रहे हो? कहा वादा किया था यार ने आऊंगा, दिन ढले, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वादा फरमाया था मैं आऊंगा, अब मेरा तो काम है नबी पाक का इंतजार करना, इस्तकबाल करना। हजरत बिलाल रोज इंतजार करते। रसूल पाक तशरीफ ले आए। हुजूर हुक्म क्या है? फरमाया मस्जिद बनानी है, मस्जिद एक कुबा बन रही है। तो सब मजदूरों से ज्यादा काम हजरत बिलाल ने किया। मस्जिद नबी की तामीर शुरू हुई तो सबसे ज्यादा काम हजरत बिलाल ने किया। मस्जिद बन गई। अब जनाब अजान का मामला शुरू हो गया, मुसलमानों को नमाज के लिए कैसे बुलाएं। एक सहाबी कहने लगे हुजूर हम ऊपर आग जलाया करेंगे, जब आग जलेगी तो लोगों को पता चलेगा नमाज का वक्त हो गया। एक ने कहा हम बड़ी दफ मंगवाते हैं, दफ बजाएंगे, नमाज का वक्त हो गया। हुजूर ने फरमाया जाओ सुबह फैसला करेंगे। रात सहाबा सोए। हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ख्वाब देखते हैं, ख्वाब में कोई अजान पढ़ रहा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अजान अजान पढ़नी चाहिए ना, क्या ख्याल है आपका? अजान आनी चाहिए ना। मैं वैसे माजरत के साथ कभी कभी ऐसा होता है कहीं जमात कराने लगे ना तो किसी से कहना तकबीर पढ़ो, तो एक दूसरे को कहना शुरू कर देते हैं, तू पढ़। मैं अपने उस्तादों के पास जब हम पढ़ते थे, हजरत अवैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास, तो हम पढ़ रहे थे, सबक थोड़ा रहता था, देर हो गई क्लास को, तो एक लड़का आया तो उस्ताद कहने लगे अजान पढ़। कहने लगा जी मुझे शर्म आती है। तो उस्ताद फरमाने लगे यार मैं तो बड़ा बेशरम हूँ, 40 साल हो गए अजाने पढ़ रहा हूँ, तुम्हें शर्म आती, बड़ा बेशरम हूँ, 40 साल से अजान। कहने लगा नहीं जी वो वाला मामला नहीं। फरमाने लगे यार गाली निकालते वक्त शर्म आनी चाहिए, किसी को बुरे लफ्जों से याद करते वक्त, किसी का गिला करते वक्त, गीबत करते वक्त, चुगली करते वक्त, झूठ बोलते वक्त, दगा और फरेब और फराड़ करते वक्त शर्म आनी चाहिए। तुझे अजान देते वक्त शर्म आ रही है, ये हमारा हाल है। अजान आनी चाहिए, मुश्किल काम नहीं, सीखनी चाहिए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 40 दिन तक अल्लाह की रजा के लिए 5 वक्त की अजान पड़ी, 40 दिन सिर्फ, फरमाया अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देगा। और फरमाया कयामत के दिन सबसे लंबी गर्दने मुअज्जिनों की होंगी, अजान देने वालों की गर्दने और कद लंबे होंगे या रसूलल्लाह। फिर फरमाया वो लाइन बना के जन्नत में जाएंगे। फरमाया जब मुअज्जिन जन्नत में जा रहे होंगे तो सबसे आगे आगे मेरा बिलाल होगा, सबसे आगे आगे मुअज्जिनों का कायद और लीडर मेरा बिलाल होगा, हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु। अब आजान, कोई कहने लगा ये करें, कोई कहने लगा वो करें। अब हजरत उमर ख्वाब देखते हैं, कोई अजान पढ़ रहा, अब्दुल्लाह इब्ने ज़ैद ख्वाब देखते हैं, कोई अजान पढ़ रहा। अब जब ये आए, आके सवेरे हुजूर को ख्वाबें सुनाई, हुजूर इस तरह से अजान पढ़ी है। फरमाया जिस तरह की तुम्हारी ख्वाब है ना, उसी तरह मेरे अल्लाह की रजा भी है। हुजूर अजान पढ़ेगा कौन? फरमाया बिलाल पढ़ेगा। हजरत बिलाल की आवाज में लुकनत थी, अशहद नहीं कहते थे, असहद कहते थे, लुकनत थी। हुजूर ने फरमाया बिलाल का असहद भी अल्लाह अशहद बना के कबूल फरमाता है। लोगों ने कहा हुजूर बिलाल अजान पढ़ेगा? हुजूर ने फरमाया इंशाल्लाह यही पढ़ेगा। हुजूर ने हजरत बिलाल को अब असहाबे सूफा में पढ़ते भी थे, बाकायदा इलम भी हासिल करते थे, नबी पाक के पास तालीम हासिल करते थे, हजरत बिलाल हबशी। अब हुजूर ने फरमाया बिलाल ये अजान के लफ्ज हैं, तो अजान पढ़ा करेगा। जनाब बिलाल हबशी को अजान सिखा दी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चढ़ जा मस्जिद नबवी के साथ मीनारे पे, चढ़ जा एक कोने पे, चढ़ के अजान पढ़। अब हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहली अजान तारीख में पढ़ी, सबसे पहली अजान। 2 मरतबा हजरत बिलाल अजान नहीं पढ़ सके जब तक रसूल पाक मौजूद है, 2 मरतबा। 1 मरतबा तो मदीना मुनव्वरा में किसी वजह से हजरत बिलाल अजान ना दे सके। 1 मरतबा तबूक से वापसी पे सो गए। हुजूर ने फरमाया बिलाल तेरी ड्यूटी है हमें जगाने की। हजरत बिलाल खुद भी सो गए। सवेरे जब अच्छी तरह से सूरज चमका तो रसूल पाक की आंख खुली। हजरत बिलाल को हुजूर ने आवाज़ दी जनाब बिलाल चौंक के उठे। फरमाया तुझे कहा था जगाना है? या रसूलुल्लाह सारी रात जागता रहा, जब जागने का टाइम आया तो सो गया। मैंने कहा मैं जरा कमर सीधी कर लूँ, हुजूर बस लेटा ही हूँ तो आँख लग गई, टेक लगाई है बस, मैंने पत्थर के साथ आंख लग गई। हुजूर ने फरमाया चलो पढ़ो अजान। हजरत बिलाल ने अजान पढ़ी और सूरज चमकते में रसूल पाक ने नमाज अदा फरमाई। अजीज दोस्तों, हजरत बिलाल हबशी ने हमेशा अजान पढ़ी, हमेशा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा एक दिन हजरत बिलाल से कहने लगे बिलाल तू सारी जिंदगी अजान पढ़ता रहा, मजा कब आया अजान पढ़ने का, मजा कब आया? हजरत बिलाल कहने लगे एक उस दिन जिस दिन मुझे हुजूर ने अजान सिखाई थी, बड़ा लुत्फ आया था हुजूर से अजान सीखने का। और फरमाया एक उस दिन मुझे मजा आया जब मैंने काबे की छत पे खड़े होकर अजान पढ़ी है। हजरत बिलाल फरमाते हैं सारे काफर जमीन पे खड़े थे, गर्दने झुकाए, और मेरे मुस्तफ़ा करीम जब कुसवा नामी ऊँटनी पे बैठे थे ना, और मैं अजान दे रहा था, तो मैं आज बड़ा राजी था। मैं कह रहा था या अल्लाह क्या बात है, आज तूने मेरे हबीब को कितनी इज्जतों से नवाजा है। एक है घर के काम काज करना, और मैं पहले भी हदीस सुना चुका, हजरत बिलाल हबशी खुद ब खुद लोगों से कर्जा ले लेते थे, हुजूर को तकलीफ ही नहीं। बुखारी मुस्लिम बताती है खुद ब खुद कर्जे ले लेते थे, खुद ब खुद नबी पाक को तकलीफ ही नहीं देते थे। काम काज है, मेहमान आ जा रहे हैं, उनकी खिदमत करनी है। बिलाल ने खुद ही कर्जा उठा लिया, कर्जा उठा के खुद ब खुद हजरत बिलाल सौदा ले आए, सौदा ला के जनाब बिलाल ने पका दिया। एक दिन ऐसा भी आया, बुखारी शरीफ के लफ्ज हैं, कि जिनके कर्जे देने थे वो कहने लगे बिलाल सवेरे कर्जा दो। वरना तुझे ले जाएंगे, बकरियां चरानी पड़ेंगी। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुजूर की खिदमत में अर्ज की, काका अगर कोई बंदोबस्त हो गया तो ठीक है, वरना मैं तो सवेरे भाग जाऊंगा, मैं शाम चला जाऊंगा, पैसे आ गए तो मुझे पैगाम भेजना, आ जाऊंगा। सवेरे फजर से पहले हुजूर ने पैगाम भेज दिया। फरमाया बिलाल तेरी मदद के लिए अल्लाह ने 3 ऊंटनियां सामान की भेज दी हैं। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सारा घर का काम काज खुद से संभाल लिया था। एक दिन गायब हो गए हजरत बिलाल अजान दे के, फजर की अजान दे के, एक दिन फजर की अजान दे के गायब नहीं होना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? मुअज्जिन को अजान दे के गायब, उसे मस्जिद में फिर रहना चाहिए। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजान पड़ी, गायब हो गए। सहाबा ढूंढ रहे हैं बिलाल किधर है, इकामत पढ़े। हुजूर ने फरमाया ठहर जाओ, बिलाल आएगा तो इकामत पड़ेगा, बिलाल आएगा तो। जल्दी ना किया करो मस्जिद में, अगर 2-4 मिनट कभी देर हो जाए ना नमाज में तो जल्दी कोई बात नहीं, अल्लाह के घर ही आए हो ना, जल्दी ना मचाया करो, अल्लाह का घर है, रहमत वाली जगह है। हुजूर ने फरमाया बिलाल आएगा तो अजान पड़ेगा। अब सब सहाबा खामोश हैं कि बिलाल जाता नहीं, काम भी उसका कोई ऐसा नहीं। हजरत बिलाल दौड़े आए, जल्दी जल्दी दौड़े आए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल ही नहीं किया कि बिलाल तू किधर से आया है। फरमाया आ गए हो? हुजूर आ गया हूँ। पढ़ो इकामत, पढ़ो इकामत पढ़ी, जमात हो गई। अब सहाबा किराम अली मुरीदवान हैरान है कि हुजूर ने पूछा ही नहीं और बिलाल आया भी देर से। हजरत जनाब सय्यदना सिद्दीक़ अकबर, जनाब मिक़दाद, जनाब सलमान फारसी, चंद सहाबा ना हजरत बिलाल को लेके कौन, बिलाल तू किधर था, राज की कोई बात है जो बताता नहीं, किधर था। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए, रो पड़े। कहा बिलाल कोई गहरी बात है, बता मामला क्या है, रोता क्यों है? हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे जब हजरत खदीजतुल कुबरा घर में चक्की पीसती थी, थक जाती थी ना, तो मैं मदद कराया करता था। कितने दिन बीत गए, जब फजर की अजान देने के लिए गुजरता हूँ तो हजरत फातिमा ज़हरा के बच्चे रोते होते हैं। फरमाया मैंने हजरत फातिमा को गोद में खिलाया है, मुझे अपने महबूब की शहजादी से बड़ा प्यार है। कई दिनों से हुजूर की खिदमत में अर्ज कर रहा था, या रसूल अल्लाह को मेहरबानी फरमाएं। हुजूर ने रात पैगाम भेजा है सैयदा फातिमा को कि बिलाल जब आए तो पर्दा करके अंदर चली जाया कर। हजरत बिलाल फरमाते हैं अजान दे के गया था हजरत फातिमा के घर, मैंने कहा महबूब की बेटी जरा पर्दा कर ले, तू बच्चों को दूध पिला, मैं तेरी चक्की पीस देता हूँ। हजरत बिलाल हबशी की आंखों में आंसू रो रो के बतलाते हैं। फरमाया सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा, मेरे हबीब ने पता क्या फरमाया? फरमाया जिसने फातिमा को राजी किया उसने तो मुझे राजी किया। हजरत सैयदना बिलाल हबशी फरमाते मैंने चक्की पीसी और मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे महबूब की बेटी ने मुझे बड़ी ही दुआएं दी हैं, उन्होंने मुझ पर बड़ा ही इज़हार मोहब्बत फरमाया है। फरमाया मैं आजान से लेकर जमात तक लोग तस्बीहां रोलते हैं, लोग कुरान की आयात की तिलावत करते हैं, आजान से लेकर जमात तक लोग मुख्तलिफ किस्म के अज़कार में मशगूल होते हैं। फरमाया मेरा जिक्र सुनो, मेरी तिलावत सुनो, मेरा वजीफा सुनो, मैं आज़ान से लेकर जमात तक मोहम्मद अरबी की बेटी की खिदमत करने चला जाता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी की चक्की पीस के आया। हजरत बिलाल ने इस अंदाज में, बदर की जंग लग गई, बदर का मार्का, हजरत बिलाल के हाथ में तलवार है, कहा मैं लड़ूंगा, पूरा पूरा जिहाद करूंगा। उमैया बिन खलफ जो बड़ा मारा करता था ना, वो दौड़ रहा था अपने बेटे को लेके, आगे कुछ सहाबा खड़े थे, वो करीब से गुजरने लगा। हजरत बिलाल ने फरमाया जरा पकड़ना उमैया को, ये मुझे मारा करता था, जरा पकड़ना, ना जाने ना देना। उमैया को सहाबा ने रोका। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने पकड़ के एक जोर से घूंसा मारा, उधर जाके गिरा। हजरत बिलाल तलवार लेके खड़े हैं उमैया के सर पे। कहा उमैया मैं तुझे नहीं कहा करता था अल्लाह मेरे मुस्तफ़ा को बड़ी इज्जतें अता फरमाएगा, मैं तुझे नहीं कहा करता था कि खुदा हमें गलबा देगा, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही, मैं ना कहा करता था कि अल्लाह इस दीन को, हर दीन पे गलबा देगा, पर मैं देख अल्लाह ने हमें इज्जत दे दी, देख तू जलील कर दिया गया। हजरत बिलाल ने मारा, गर्दन उड़ा दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक पीछे देख रहे थे, दौड़े हुए आए, कहा बिलाल मुबारक हो, बिलाल मुबारक हो, आज तो तेरे सारे बदले पूरे हो गए। हजरत बिलाल ने सजदा शुक्र अदा किया। मेरे दोस्तों बड़ी बातें हैं जनाब बिलाल की करने वाली, ये वक्त साथ नहीं ना देता किसी का, ये रुक जाता है। ये कहता है कि बस अब रुक जाओ, वक्त हो गया आगे गुजरने का। हजरत बिलाल अबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु, रसूल पाक का विशाल हुआ ना, हजरत बिलाल ने मुंह से लफ्ज़ ही कोई नहीं अदा किया। किसी ने अपना दुखड़ा किसी अंदाज में सुना लिया। हजरत उमर ने कहा, जिसने कहा हुजूर विशाल करके गर्दन उड़ा दूंगा। हजरत उस्मान गनी ने कहा, खबरदार कोई मुझे आके ना बताए कि मुस्तफ़ा विशाल कर गए। हजरत अली मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ना भाई मेरे मुस्तफ़ा पर तो मौत आती नहीं जिस तरह आम लोगों पे। सब लोगों ने अपने अपने इजहार कर लिए ना, बिलाल ने किसी को दुख बताया ही नहीं। एक कोने में बैठ के ना हजरत बिलाल अकेले आंसू बहाते रहे, किसी को बताया ही नहीं, अकेले रोए। एक शख्स कहने लगा, यार बिलाल बोलता नहीं, कहा ना बुलाओ इसे। असर की नमाज का वक्त हुआ ना, तो वो बिलाल जो काबे की छत पे बगैर सीढ़ियों के चढ़ गया था, वो बिलाल जो काबे की छत पे बगैर किसी सहारे के चढ़ गया था, उस बिलाल को कहा कि बिलाल चल जरा आजान पढ़, मस्जिद की छत पे चढ़ जा। हजरत बिलाल कई बार चढ़े और कई बार गिरे, कई बार चढ़े और कई बार गिरे। हजरत बिलाल अबशी रदी अल्लाह तआला ने आवाज़ दी, कहा सलमान मेरी मदद करना, मेरी मदद करना, अब मुझसे चढ़ा नहीं जाता, अब मुझसे जाया नहीं जाता। जनाब सलमान फारसी ने भी सवाल नहीं पूछा कि बिलाल तू बीमार है, ये नहीं पूछा। हजरत बिलाल को दो चार सहाबा ने उठाया, छत पे पहुंचाया। बिलाल ने अजान शुरू की, जब कहा ना अल्लाहु अकबर, वो आवाज़ जिसमें बड़ा सोज होता था, बड़ी दर्द, बड़ी बुलंदी होती थी, बड़ा जोश खरोश होता था, आज वो आवाज़ दब गई। जब बिलाल ने कहा ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हज़रत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु ने थोड़ी देर रोक के सांस लिया। जब कहा ना अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जो सारे चुप खड़े थे ना, उनमें से एक बाबा रो पड़ा जिसका नाम अबू बकर सिद्दीक था। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक की आंख में आंसू आया तो हज़रत बिलाल छत के ऊपर ज़मीन पे गिरे और कहा अबू बकर ये ड्यूटी किसी और की लगा दे, ये ड्यूटी किसी और की लगा दे, अब मेरी रूह इजाज़त नहीं देती, मुस्तफ़ा करीम के बाद मुझसे अजान नहीं पड़ी जाएगी। आपने वाकया सुन रखा है कि एक बार सहाबा ने बुलाया, दोबारा आए, हुजूर ख्वाब में मिले, कहा बिलाल तू आता क्यों नहीं, बिलाल छोड़ के चले गए थे। फरमाया अब मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, मुल्क शाम के शहर हलब में चले गए थे, छोड़ दिया था मदीना मुनव्वरा, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे महबूब हैं ऐसा नहीं कोई। हुजूर ख्वाब में मिले, आए मदीने, हजरत बिलाल आखिरी बार, लोगों ने कहा अजान पढ़ो, कहा मुझे वो अजान भूल ही गई है जो मुझे मुस्तफ़ा करीम के ज़माने में पढ़ा करता था, मुझसे नहीं पढ़ी जाती, ना मुझे कहो, मैं कैसे पढ़ूँ। इमाम हसन और हुसैन ने आके दामन थामा ना, तो कहा बेटा मैं तुम्हारी नानी का भी नौकर रहा हूँ, मैं तुम्हारी माँ की चक्की भी पीसता रहा हूँ, मुझसे कोई फरमाइश ना कर डालना, मैंने नौकरी की है और मुझे अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं तुम्हारे बच्चों के पैर भी धोया करूँगा। लेकिन इमाम हसन रदी अल्लाह तआला उन्होंने फरमाया बिलाल एक बार तो अजान सुनानी पड़ेगी। सुनाई बिलाल ने अजान। कोई घर मदीने में ऐसा नहीं था जहाँ से रोने की आवाज़ ना आई हो। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने ज़माने में शाम गए तो जनाब बिलाल अबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि अजान पढ़ो। हज़रत बिलाल ने फरमाया मैं पढ़ ही नहीं सकता। बड़ी हिम्मत के बाद अजान पढ़ी और जनाब बिलाल ने कहा तुम अगर रोए ना तो मैं अजान पढ़ूंगा। रोना ना वादा ले लिया। हज़रत उमर तो ना रोए लेकिन मुआज़ इब्न जबल ने रोना शुरू कर दिया। जब मुआज़ इब्न जबल रोए तो फिर उमर भी रोए, जब उमर रोए तो फिर बिलाल भी रोए। वो अजान अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तक गई। रसूल पाक के बाद फिर अजान इससे आगे बढ़ न सकी।